أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں 40 حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے یہ ذکر و فکر کا موقع میسر ہے. یہ سلسلہ مجالس جو 11 سفر سے 20 سفر تک منعقد ہو رہا ہے، یہ تاریخیں بہت اہم ہیں. اصلاً ذہن عالی میں رہے کہ پہلی محرم سے لے کر اور 20 سفر تک بطور خاص یہ حق رسی اور حقیقت رسی کے لیے وہ موقع ہے جس میں عاشقان خدا قرب خدا کی ہر کوشش کر سکتے ہیں، اور ان تاریخوں میں، اس ظرف زمان میں، جو کوششیں ہوں گی یقین ہے کہ بار بار ہوں گی. دیکھیے، کچھ مواقع ہوتے ہیں. یہ شب و روز کی تبدیلی کس لیے ہوتی ہے؟ عالم فطرت میں اسی سورج کی روشنی میں کچھ کام ہیں جو انجام پاتے ہیں دن کے وقت، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو انجام پاتے ہیں شب کے وقت. تو شب کا آنا بھی ضروری ہے اور دن کا ہونا بھی ضروری ہے.
और इसकी सबसे सामने की साइंसी मिसाल ये हरे दरख्तों का वजूद है। ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, इनमें जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, दिन और रात उसके लिए ज़रूरी है। सूरज की रोशनी भी ज़रूरी है और रात की तारीकी भी ज़रूरी है। ये एक मिसाल है ये समझने के लिए कि ये शब और रोज़ की तब्दीली निज़ाम ज़िंदगी में, कौनो मकान में, एक इर्तिकाई सफ़र हयात तय करने के लिए ज़रूरी है। जिस तरीक़े से रात के कुछ मखसूस काम हैं जो रात ही में अंजाम पाएंगे, दिन के कुछ मखसूस काम हैं जो दिन में अंजाम पाएंगे, उसी तरह फिर पूरे साल में कुछ हिस्से होते हैं ज़मानी, जो काम रमज़ानुल मुबारक में अंजाम पाने हैं वो रमज़ानुल मुबारक में अंजाम पाएंगे, वो तासीर और वो कैफियत और वो समरात रमज़ानुल मुबारक के अलावा कहीं हासिल नहीं हो सकते। जो काम माह ज़िलहिज्जा में हासिल होने हैं, करने किए जाने हैं, और उनके जो मानवी और नूरानी और बातिनी समरात हासिल होते हैं, वो उसी ज़माने में हासिल होंगे, वो उसके अलावा किसी और ज़माने में हासिल नहीं हो सकते। इसी तरह जो मानवी समरात, जो बातिनी समरात, जो नूरी समरात, जो इलाही समरात, जो मलकूती समरात इन अय्याम अज़ाए सैयदुश्शुहदा में हासिल होने हैं, ये किसी और हिस्से वक्त में हासिल नहीं हो सकते। यानी इसे आप हमारा सिर्फ एक समाजी और सकाफती विरसा ना समझें, बल्कि ये निज़ाम कौन और मकाम है। इस वक्त का आना और इसमें हमारा मशगूल ज़िक्र व बुका होना ये अहमियत रखता है, ये अहमियत रखता। मुहर्रम के शुरू के 10 दिन वो तो याद रखें आपके कुरान मजीद ने उन शब और रोज़ की कसम खाई है। इस बात को फरामोश ना करें कि ये मुहर्रम के 10 दिन शुरू के, पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक, ये वो शब और रोज़ हैं जिनकी कसम कुरान मजीद में अल्लाह ने खाई है। ये कौल ज़्यादा मशहूर और ज़्यादा मारूफ गालिबन नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये मशहूर हो, मारूफ हो और आप हजरात के जहनों में रासिख हो जाए, और आप अपने बच्चों को जहाँ बहुत सी चीज़ें तालीम देते हैं वहाँ ये तालीम दें कि ये शब और रोज़ वो हैं जिनकी अल्लाह ने कुरान मजीद में कसम खाई। सूरह मुबारक फ़जर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्फजर वलयालिन अशरिन والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر। ये किसी और शय की कसम नहीं है, ये कसम मुहर्रम के शब और रोज़ की। आगाज़ सूरा में यानी मतलए सूरा फजर में ये 10 रातों और फजर की कसम, और इख्तिताम सूरा में नफ्स मुतमइन्ना से खिताब, नफ्स मुतमइन्ना से खिताब, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया, ए नफ्स मुतमइन्ना अब इस कैफियत में कि तू रब से राजी है और तेरा रब तुझसे राजी है, पलटा अपने रब की तरफ। ये खिताब और इसके दरमियान जो तलमीहात हैं, जो तारीखी हवाले हैं, जो रेफरेंसेस हैं, ये सब मिलकर तस्दीक करते हैं फरमाइश हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम की। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया है सूरह फजर सूरह हुसैन इब्न अली, याद रखिएगा सूरह फजर सूरह हुसैन इब्न अली है, ये किसी और का इरशाद नहीं है, ये इरशाद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम है। तो ये बात रासिख हो जाए, इसे ये ना समझें कि तफसीर के अकवाल में से एक कौल ये है, नहीं, दूसरे अकवाल
शायद इस कौल को छुपाने के लिए पेश किए गए और ये कौल इतना अहम है कि इसे इमामिया उलमा ने नहीं बल्कि उलमाए आम्मा में से इमाम अहले सुन्नत वल जमात अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा है और दूसरे नंबर पर यह कौल लिखा है अव्वल फजर वल अयालिन अशरिन, ये 10 रातों और फजर से मुराद मुहर्रम के शब रोज हैं। अगर ये ऐसा कौल होता जो नाकाबिल इतना होता, जिसको नज़रअंदाज किया जा सकता, जिससे सरफ़ नज़र मुमकिन होता, तो फिर हरगिज़ हरगिज़ वो अपनी तफसीर में इसे जगह न देते। तो हवाला भी जहन आली में रहे, और भी हवाले हैं लेकिन ये एक हवाला कम से कम जहन में रहे कि अल्लामा अहले सुन्नत इमाम फखरुद्दीन राजी ने अपनी तफसीर कबीर में ये कौल नकल फरमाया है कि सूरह फजर की जो इब्तदाई आयतें हैं इनसे मुराद मुहर्रम के शब रोज़ हैं। दूसरी तरफ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद कि ये सूरह सूरह हुसैन इब्ने अली है, तो ये दोनों अकवाल अगर जमा कर लें और मजमून सूरह का अगर सामने रखें कि क्या बात कही गई है, तो आपको इत्मीनान हासिल हो जाएगा कि मुहर्रम के शब रोज़ वो शब रोज़ हैं जिनकी कसम अल्लाह ने खाई है और कसम खा कर इंसानी अकलों को बेदार किया है। हल फी ज़ालिका कसम लिज़ी हिज्र, क्या सोचने वालों के लिए, क्या अक्ल रखने वालों के लिए इसमें कोई सरमाया फिक्र नहीं है? और हमारे यहाँ इस फिक्र को, इस बात को, इस नुक्ते को अव्वलन तो खुद जहनों में रखें और मुस्तहज़र रखें, पेश नज़र रखें, सामने रखें हमेशा, मतमह नज़र आपका जो कुछ भी है उसमें ये मौजूद होना चाहिए, और फिर दूसरों को भी मुतवज्जह करें। पहले खुद पूरे वजूद के साथ मुतवज्जह हों, फिर दूसरों को मुतवज्जह करें। ये तो हुई बात इब्तिदा की अशरे मुहर्रम, और फिर आशूर के बाद यानी 11 मुहर्रम से लेकर और 20 सफर तक, ये जो 40 रोज हैं, इनके मुतालिक ये फकीर एक जुमला अर्ज करना चाहता है, एक सलावात पढ़े मोहम्मद। कुरान मजीद में लफ्ज़ अरबईन हजरत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम के तस्करे में आया है दो मकामात पर। जनाब मूसा के ताल्लुक से एक मकाम पर कहा गया कि वह वअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअशरिन फतम्मा मीकातु रब्बिही 40 लैला। हमने मूसा से वादा किया 30 रातों का, ववाअदना मूसा 30 लैलतन, हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया। ये वादा क्या था? मूसा की कोई तलब थी, उधर से कुछ अता होना था, इस अता के लिए कोई रियाजत जरूरी थी मूसा के लिए, एहतिकाफ जरूरी था मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, कुछ औराद अमाल वज़ाइफ जरूरी थे, अपने पूरे वजूद के साथ हक की तरफ हिजरत जरूरी थी। यूं तो अंबिया की हर सांस हक की तरफ हिजरत है, मगर कोई खसूसी एहतमाम हिजरत भी होता है। चुनांचे जनाब मूसा से 30 रातों का वादा किया गया कि 30 रात अगर तुमने हमारी नजर कर दी तो हम तुम्हारी मुराद पूरी कर देंगे। उसके बाद फिर उसमें 10 रातों का इजाफा हुआ, वातममना हाँ बे अशरिन, हमने 10 रातों का और इजाफा किया। फतम्मा मीकातो रब्बिही 40 लैला, और यूं तुम्हारे रब का निसाब, मूसा के रब का निसाब 40 रातों का मुकम्मल हुआ। इसके मानी है कि 40 रातों का निसाब ये निसाब इलाही है, ये निसाब निसाब इलाही है। 40 इस अदद में बड़े रुमूज हैं, इस अदद में बड़े रुमूज हैं। यहाँ दरमियान में ठहर के एक बात और अर्ज कर दूं, मसलन एक मशहूर व मारूफ हदीस है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की,
जिसमें इरशाद फरमाया है हजरत ने कि मन हफिज़ मिन उम्मती अरबईन हदीसन बअथहु अल्लाह यौम अल क़ियामत फ़क़ीहा, जो हमारी उम्मत में से मेरी अहादीस में से 40 हदीसें हिफ्स करे, 40 हदीसें। अब ये इबारत जो मैंने अर्ज़ की ये एक इबारत है, वरना ये मज़मून मुख्तलिफ इबारतों में मुख्तलिफ किताबों में मौजूद हैं। ये हदीस में इबारतों में इख्तिलाफ क्यों वाक़ होता है, ये एक अलग बहस है। आप चाहें तो अभी इशारा कर दूं कि यूं तो बहुत कसमें खाई जाती हैं कि बड़े अच्छे हाफिज़े वाले थे अरब, अरबों का हाफिज़ा याद करने की सलाहियत बहुत अच्छी थी, और वो जो कुछ सुनते थे एक बार सुन के याद कर लेते थे। मगर मुझे इसमें बहुत कलाम है, बहुत कलाम है। अवलन दस्ते अदब जोड़ के पूछना चाहता हूँ कि अगर एक बार में सब सुन लेते थे और याद कर लेते थे, याद भी कर लेते थे, तो फिर हमारे रसूल अकरम के जुमे के सब खुतबे कहाँ चले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा में कितने जुमे के खुतबे इरशाद फरमाए, कितने जुमे के खुतबे इरशाद फरमाए। भाई मक्के में तो जुमा नहीं पढ़ाते थे हजरत, मदीने में नमाज जुमा शुरू हुई, तो मदीने की जिंदगी हजरत की कई बरस की है, 10 बरस की तो है, 10 बरस में कितने जुमे आए, हर महीने में 4 जुमे, 10 बरस में कितने होंगे, 1 साल में कितने होंगे, और फिर 10 साल में कितने होंगे। बहुत सिंपल अर्थमेटिक है, आप हजरात सब कैलकुलेट कर सकते हैं। इतने खुतबे मौजूद हैं, कहाँ गए ये खुतबे सरकार के। सुन्नत रसूल की हिफाजत करने वाले जवाब दें। ये इतने खुतबे हुजूर के कहाँ गए, और क्या पूरी जिंदगी सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हमेशा चाहे मिंबर पे हो, चाहे मजमे में हो, चाहे लोगों के दरमियान हो, एक दो जुमले से ज्यादा में जवाब नहीं देते थे क्या? यानी कभी कोई भरपूर 10 मिनट 20 मिनट 40 मिनट 50 मिनट की कोई तकरीर नहीं की सरकार ने? नहीं की, और अगर की तो वो तकरीरें कहाँ हैं? हमें कोई एक हदीस भी 2 सफ़े की नहीं मिलती, 1 सत्र 2 सत्र, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा, ये जुमलों में टुकड़े टुकड़े कैसे हो गए बयानात पैगंबर? ये तकतीय किसने की, ये कैची किसने चलाई और क्यों चलाई? पूरी पूरी तकरीरें अपने तमाम सियाक व सबाक के साथ महफूज क्यों नहीं रखी गई? कहाँ है? हाफिजों में फतूर था या दिलों में फतूर था? और मैं ये समझता हूं कि हाफिजों में भी फतूर था और दिलों में भी फतूर था। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। ये तारीख है। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, मुझे आज सरकार खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तकरीरें चाहिए, आपकी सुन्नत चाहिए मुझे, आपकी सीरत चाहिए मुझे। सुन्नत और सीरत में सबसे पहले किस चीज की तरफ जाऊंगा मैं? तालीमात। आपने क्या सिखाया? कोशिश मेरी होगी आपके दहन मुबारक से जो अल्फाज निकले बेऐन ही वो अल्फाज मुझे मिल जाएं। कद्र कीमत तो उन अल्फाज की है ना, कद्र कीमत तो उन अल्फाज की। वो जो दहन मुबारक मासूम से, दहन मुबारक मुस्तफ़ा से, दहन मुबारक हबीब किबरिया से जो अल्फाज निकले, जो के तू महफूज हैं, हैं तो कहाँ हैं, कितने हैं, हैं तो कहाँ हैं और कितने हैं। अरे ये बड़ा मौजू है, छोटा मौजू नहीं है, आप समझिएगा। लेकिन पहला सवाल मैं खुतबात से जो शुरू कर रहा हूँ उसमें सबसे पहले कद्र मुतयक्कन
मुसल्लम अमर ये तो है कि आप जुमा पढ़ाते थे, रसूल अकरम जुमा पढ़ाते थे, नमाज जुमा में खुतबे इरशाद फरमाते थे, वो खुतबे महफूज क्यों नहीं है और तारीख वार क्यों नहीं महफूज हैं? चंद खुतबों के चंद जुमले महफूज हैं सिर्फ, क्यों? इसका एक जवाब तो मुझसे पहले आगे बढ़ के कुरान दे देगा जो सूरह मुबारक जुमा में मौजूद है कि लोग तो ऐसे थे कि रसूल जुमा पढ़ाते थे और लोग मस्जिद में रसूल को तन्हा छोड़कर खेल तमाशा देखने के लिए चले जाया करते थे। ये मैं तो नहीं अर्ज कर रहा हूं, ये मेरा जन और गुमान और तखमीना तो नहीं है, ये मैंने किसी ज़ईफ रिवायत या किसी कमजोर तारीख से हवाला तो नहीं दिया, ये तो कुरान मजीद सामने है। वाइदा राओ तिजारतन अव लहवन इन्फद्दु इलैहा व तरकूक क़ाइमा, ये जब कोई देखते थे कि कारवाने तिजारत आ गया है या खेल तमाशा, हद है, कारवाने तिजारत तो एक बात हुई, खेल तमाशा अव लहवन इन्फद्दु इलैहा व तरकूक क़ाइमा, आपको तन्हा छोड़कर चले जाते थे। और ये एक दो बार नहीं हुआ, बराबर होता था, इतनी बार हुआ कि परवरदिगार को इसका तज़किरा करना पड़ा और इतनी बार हुआ कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इरशाद फरमाना पड़ा। एक मर्तबा जब सिर्फ 8 अफराद या 7 अफराद रह गए थे और बाकी पूरी मस्जिद खाली हो गई, तो आपने फरमाया अगर ये भी बाकी न रह जाते तो आज मदीने पर आग बरसती। अगर ये अफराद जो मेरे साथ बाकी रह गए ये भी बाकी न रह जाते तो मदीने पर आग बरसती। महफूज है ये जुमला, तो गुजारिश है कि जो कुछ महफूज है, जिन मुहद्दिसीन ने, जिन सीरत निगारों ने, जिन उलमा ने जो कुछ महफूज कर लिया, हम उनकी रूहों को हमारा सलाम। दिलो जान से खराज अकीदत हम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन जो जमा कर लिया, जमा कर, जिन्होंने जमा किया, बस मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, जिन्होंने जमा किया अगर हम उन्हें सलाम करेंगे और उनके हक में दुआएं करेंगे, तो जिन्होंने रसूल के मजमूए हदीस को जलाया हम उन पे लान भी करेंगे। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले, अब मैं इससे आगे वजाहत नहीं करूंगा, मैंने हवाला दे दिया, आप जाके जस्तजू कीजिए कि वो कौन अफराद थे जिन्होंने रसूल पाक की हयात तय्यबा में जिंदगी में हदीसें लिखी और उसके बाद हुजूर अलैहि सलातो सलाम की आंखें बंद होने के बाद वो मजमूए हदीस जिसमें तकरीबन 500 हदीसें थी, बाज रिवायतों के बिना पर बेटी से मंगाया और अपने हाथों से जला दिया। क्या इश्क पैगंबर है, क्या इश्क सुन्नत मुस्तफा। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले, एक और सलावात पढ़ दें, बहरहाल बात से बात निकल आई तो मैंने अर्ज कर दिया, बात से बात निकल आई तो अर्ज कर दिया, ये तारीख का फैक्ट है। और किस बहाने से जलाई है हदीस पैगंबर, हदीस पैगंबर किस बहाने से, कहीं ऐसा ना हो कि कुरान में हदीस मखलूत हो जाए, तो आपके हाफिजे किस काम के, आपकी फहमो फिरासत किस काम की, और जब आपने लिखा है कि ये हदीस है और लिखा है कि ये कुरान है, तो मिक्स कैसे हो जाएगा। और एक तरफ आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं दो चीजें छोड़ा जा रहा हूं, एक किताब एक सुन्नत, तो फिर अपने हाथों से सुन्नत जला क्यों रहे हैं? इसके मानी यह है कि वसीयत पैगंबर की कदर कीमत नहीं थी, वसीयत पैगंबर की कदर कीमत नहीं थी, ना किताब से वाबस्तगी थी, ना सुन्नत से वाबस्तगी थी, ना इतरत से वाबस्तगी थी, बल्कि सिर्फ अपनी नफ्स परस्ती का मंशूर सामने था। और कुरान तो इसलिए गैर मुहर्रफ महफूज रह गया कि अली के होते हुए कुरान मिटा कौन सकता था। आले मोहम्मद के होते हुए कौन मिटा सकता था कुरान,
جب قرآن کے ایسے حفاظت کرنے والے موجود ہوں کہ اگر تم لکھا ہوا قرآن کا دفتر جلا بھی دو گے تو ہم نوک نیزہ پر بھی سنائیں گے. ایسے قرآن کی حفاظت کرنے والوں کے رہتے ہوئے کون قرآن جلا سکتا تھا؟ کون قرآن جلا سکتا تھا؟ کون قرآن مٹا سکتا تھا؟ قرآن بھی محفوظ رہا تو بطفیل عطرت مصطفیٰ. اور یہی راز ہے اس حدیث میں جو اصلی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی لن یفترقا. یہ جو فقرہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں. تو جب تک دنیا میں عطرت مصطفیٰ ہیں قرآن کی کوئی گزند نہیں پہنچ سکتا. قرآن محفوظ رہا تو ان کی ریاضت اور ان کی قربانیوں کی بنا پر, کسی اور کے اہتمام میں خاص سے قرآن محفوظ نہیں رہا ہے. بہرحال یہ سب باتیں درمیان میں آ گئیں تاکہ ذہنوں میں واضح رہیں اور راسخ رہیں. میں تو عرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث ہے پیغمبر ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. من حفظ من امتی 40 حدیثا بعثه اللہ یوم القیامت فقیہا. جو میری امت میں سے 40 حدیثیں حفظ کر لیں. اب میں نے کہا نا کہ اس کی عبارتیں مختلف ہیں. اب وہ تمام عبارتوں کو جمع کر کے اگر اس پہ گفتگو کروں تو پھر ایک مستقل دوسری گفتگو اکیڈمک انداز سے کرنی پڑے گی. لیکن اس میں پیغام آپ سب حضرات کے لیے, جہاں میں دیکھیں مجتہد کا رتبہ اپنا ہے, فقیہ کا رتبہ اپنا ہے جو اصطلاحی فقیہ ہے, لیکن ایک ہوتی ہے فہم دین, دینی سوجھ بوجھ, دینی زاویہ نظر, وہ اینگل پیدا کر لینا, وہ ویژن پیدا کر لینا جو دینی ہے, وہ وزڈم پیدا کر لینا جو دینی ہے. اس کے لیے بہت سے اعمال ہیں جن میں سے ایک نسخہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری 40 حدیثیں یاد کر لے, حفظ کر لے, اللہ سبحانہ وتعالی روز قیامت اسے ایک مرد فقیہ کی شکل میں محشور فرمائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہ محمد. یہ سب پیغامات ہیں ایک کے بعد ایک. یاد رکھیے گا عشرہ محرم کی اہمیت, 40 کی اہمیت, اور یہ 40 حدیثہ آج سے یہ عہد کر کے اٹھیے کہ 40 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 ایسی حدیثیں یاد کیجئے گا جس پر یقین ہو کہ یہ حضور نے فرمایا ہے. اس کا انعام یہ ملے گا آخرت میں کہ آپ کو ایک رجل فقیہ کی شکل میں خداوند عالم مبعوث فرمائے گا. اور اب اگر ہدیے کے طور پر آپ پوچھیں مجھ سے کہ وہ کون سی حدیثیں ہیں کہ جس پر یقین ہے کہ رسول اکرم کے دہانے مبارک سے وہ حدیثیں نکلی ہیں, تو اس میں سب سے پہلے وہی حدیث آئے گی کہ جس کا متن ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. صلوات یہ کوئی مسلکی اور مذہبی تعصب کے ساتھ جوش خطابت میں نہیں عرض کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ قرآن مجید ہر محدث, ذمہ دار محدث, با کردار محدث, صحیح حسب و نسب رکھنے والے محدث کے ہاتھ میں یہ قرآن مجید دیجئے اور کہیے قسم کھا کے قرآن کی بتاؤ وہ متواتر حدیث کون سی ہے جس کے بارے میں یقین کیا جا سکتا ہے کہ رسول کے دہن مبارک سے یہ الفاظ نکلے. دیکھیے حدیث کی قسمیں ہیں نا. حدیث کی ایک قسم ہے جسے کہتے ہیں احاد. احاد کیا ہے؟ احاد وہ ہے کہ جس حدیث کا راوی ایک صحابی ہو, صرف ایک شخص ہو کہنے والا کہ میں نے حضور سے یہ سنا. اچھا وہ احاد ہے. اگر ایک سے زیادہ ہو, 3, 4, 5 راوی کسی ایک حدیث کو نقل کر رہے ہیں, تو اسے مستفیضہ کہتے ہیں. روایت مستفیضہ ہو جاتی ہے, حدیث مستفیض ہے.
अगर इतने रावी हैं कि जिनके पहले सफ में, पहली ही सफ में इतने रावी हों कि जिनके बारे में ये मुमकिन ना हो कहना कि ये सब मिल के नऊज़ु बिल्लाह रसूल के ऊपर इफ्तिरा कर रहे हैं, दरोख गोई कर रहे हैं, बल्कि यकीन हासिल हो जाए कि नहीं ये सब जो कह रहे हैं ये रसूल ने फरमाया, वाज़े है, उस हदीस को कहते हैं हदीस मुतवातिर। वैसे तो भाई हदीस की बहुत किस्में हैं, और इल्म हदीस और इल्म दिरायत एक वसी इल्म है, ज़ाहिर है वो पूरा इस वक्त मैं बयान करूँ तो मौजू बदल जाएगा। तो ये तीन मिसाल के तौर पर याद रखिए इस्तेलाहें। एक हदीस क्या है, हदीस आहाद। आहाद वो है कि जिसका रावी अव्वल बस एक हो, और ये हमारे यहाँ भी तकसीम है, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम से रिवायत हो या अमीर उल्मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से रिवायत हो, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से हो, इमाम किसी भी चारदा मासूमीन में से किसी भी मासूम से रिवायत हो और रावी अव्वल बस एक हो, तो वो चाहे बीच में सिलसिले कितने ही फैल जाएं, लेकिन अगर रावी अव्वल एक है, एक से ज्यादा नहीं है, दूसरा कोई गवाह नहीं है, तो वो रिवायत बहरहाल आहाद है। अब उसमें आहाद की अपनी किस्में हैं, हसन है, ज़ईफ है, कवी है और सही है, वो सब और किस्में हैं। यानी अगर उस एक से लेकर और मुझ तक नकल करने वाला जो पूरा सिलसिला है, इसमें हर कड़ी अपनी जगह फिका है, हर कड़ी नकल करने वाला हर फर्द साहिब ईमान है, मोमिन है, आलिम है, फकी है, मुदब्बिर है, तदब्बुर दीनी रखने वाला और फिका है, काबिल एतमाद है। अगर 50 कड़ियां हैं फर्ज कीजिए मुझसे लेकर और हुजूर अलैहिस्सलाम तक, और ये 50 की 50 शख्सियतें अपनी जगह सब जानी पहचानी अजीम शान बाकिरदार सादिकुल कौल सिका ऐसी शख्सियतें हैं जिनके हाफिजे पर और फहम पर भी भरोसा किया जा सकता है, ये हदीस कहलाएगी सहीह, आहाद होते हुए भी सहीह। अगर इस कड़ी में कोई ऐसा शख्स आ गया, एक भी अगर कोई ऐसा आ गया, यानी 50 में से 49 को तो मैं जानता हूं, एक को नहीं जानता और जानने का कोई जरिया नहीं मिला, इनसे पूछा, उनसे पूछा, उनसे पूछा, ये किताब देखी, वो किताब देखी, ये तारीख देखी, वो तारीख देखी, कहीं उनका पता नहीं चला कि ये कौन साहब है, बस वो हदीस सही के दर्जे से नीचे आ जाएगी। अब फिर उसकी अपनी ये किस्में हैं, और हमारे आप, और अगर इनमें से कोई एक नीचे से कम हो गया रावी या ऊपर से कम हो गया रावी, उसकी अपनी किस्में हैं, कहीं हदीस मुरसल हो जाएगी। अब ये सब हदीस की किस्में हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो हदीस जो एक रावी पे तमाम ना होती हो, वो हदीस जो मुतवातिर हो, तो मुतवातिर हदीसों की तादाद बहुत कम है। अब इसमें इस तादाद को मुअय्यन करने में फुकहा, उलमा, मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन में कितना इख्तिलाफ है, अगर इसे बयान करूं तो आप हजरात की हैरत में इजाफा ही होगा, कमी तो नहीं होगी। कितना इख्तिलाफ है, बड़े बड़े अइम्मे फिक्ह और अइम्मे हदीस ये जो कह गए बहरहाल, लेकिन फिर भी कुछ मुतवातिर हदीसें जरूर हैं। लेकिन इन मुतवातिर हदीसों की तादाद क्या है, यानी मुतवातुर में रावी अव्वल की तादाद क्या है? कोई हदीस ऐसी है जिसे 10 रावियों ने नकल किया, कोई ऐसी है जिसे 14-15 रावियों ने नकल किया, कोई ऐसी हदीस है जिसमें 30-35 रावियों ने नकल किया, कोई ऐसी हदीस है जिसे 110 रावियों ने नकल किया हो, या 110 से ज्यादा भी सहाबी बराह रास्त कहते हो मैंने रसूल से सुना, 10, 20, 25, 50 नहीं, 110 या इससे भी ज्यादा रावी कहते हो मैंने रसूल से ये सुना, मैंने रसूल से ये सुना, मैंने रसूल से ये सुना, ये ऐसी रिवायत सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक है, खुदाए वहदहु ला शरीक की कसम, ऐसी रिवायत बस एक है, और वो रिवायत गदीर है जिसमें फरमाया गया है मन कुंत मौला फहादा अलीन मौला। एक सलावत पढ़ दीजिए, अब आप समझे कि मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा के गुलाम सा
اب آپ یہ سمجھے کہ ہماری اکثر مجلسوں میں گھوم پھر کے بات اسی فقرے پہ کیوں آتی ہے؟ وہی تو فقرہ دہرائیں گے جس پہ یقین ہو کہ مولا نے کہا, جس پر ہمیں 100% یقین ہو, اور یہ 100% سے بڑھ گئی ہے بات, 100 سے زائد راوی ہیں, جہاں 100% یقین ہو کہ یہ کلام حضور نے فرمایا, تو قرآن کے بعد پھر اسی کلام کا تو حوالہ آئے گا بار بار. اگر آپ کو یہ شرف حاصل کرنا ہو کہ قیامت کے روز آپ فقیہ محشور ہوں, یعنی دیندار اور دین کا شعور رکھنے والے, دینی وزڈم رکھنے والے, ڈیوائن وزڈم رکھنے والے, تو پھر آپ کو قرآن مجید کے بعد سب سے پہلے جو حدیث یاد رکھنی ہوگی وہ حدیث من کنت مولا ہے. اس حدیث سے غفلت برتنے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے, نہ خدا کا وفادار ہو سکتا ہے نہ رسول کا وفادار ہو سکتا ہے. اور رہے غدیر میں کچھ بد نصیب ہاتھ, ملتے رہے غدیر میں کچھ بد نصیب ہاتھ, مولا کا ہاتھ دیکھ کے مولا کے ہاتھ میں نعرہ حیدری. جزاکم اللہ. بہرحال تو یہ تو لفظ اربعین کے تعلق سے بات تھی, اور ایک میسج اور چلا گیا آپ تک کہ اربعین حدیث, یہ 40 حدیثیں, کچھ عہد کر کے اٹھیے گا کہ آج سے ایک حدیث کم سے کم روز یاد کریں, 40 حدیثیں یاد ہو جائیں گی بہت آسانی سے. اگر ہر ہفتے میں ایک حدیث یاد کریں گے تب بھی یاد ہو جائے گی, عربی نہیں آتی تب بھی کسی عربی جاننے والے سے چھوٹی چھوٹی حدیثیں رسول اللہ کی, چھوٹی چھوٹی تو ہو ہی گئی ہیں, وہ ٹکڑے ٹکڑے تو کر ہی دیا. خود خطبہ غدیر کیا ایک جملے کا تھا؟ خطبہ غدیر کیا ایک جملے کا تھا؟ یعنی آپ تصور کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے روکا, جبرائیل نے کہا یہاں اعلان کر دیجئے, اور آپ ٹھہرے, میدان صاف کرایا, ممبر نصب کرایا, نماز جماعت کے لیے سب کو جمع کیا, جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے بلایا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا, اس کے بعد ممبر بنایا, ممبر پر تشریف لے گئے, تو بس ایک جملہ فرمایا, بس ایک جملہ فرمایا. خدا کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے طویل ترین خطبات میں سے ایک خطبہ ہے خطبہ غدیر, جسے ہمارے محدث عظیم الشان علامہ طبرسی نے کتاب احتجاج میں تقریباً 10-12 صفحات میں نقل کیا. یہ طویل ترین خطبہ, کس کو پورا خطبہ یاد ہے؟ چند فقرے, لیکن خدا کی قسم وہ فقرے ضرور یاد رہ گئے جو جانے سخن تھے, جو جانے سخن تھے. اکثر محدثین اور روات نے یہ نقل کیا کہ آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, اللہم وال من والا وعاد من عادا, پروردگار اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے, پروردگار تو اس کا دشمن ہو جا جو علی کا دشمن. ایک صلوات بہرحال ایک یہ اربعین کے مناسبت سے, لفظ اربعین کی مناسبت سے آج تو باتیں زبان پر آتی چلی جا رہی ہیں, یہ گویا تمہیدی مطالب ہیں, لیکن یہ تمہیدی مطالب آپ کے لیے نصاب عمل ہیں. اب دوسرا بھی ایک نقطہ عرض کر دوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے, فرمایا من اخلص للہ 40 صباحا, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کی 40 صبحیں وقف کرے خلوص کے ساتھ, 40 صبحیں, یعنی یہ عہد کرے کہ ہم 40 دن تک کہ ہم جو کچھ کریں گے خدا کے لیے کریں گے خلوص کے ساتھ. مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا جو اصل میسج ہے, کہ 40 دن کا عہد کریں, آج سے جو کچھ ہم کریں گے خدا کے لیے کریں گے. حالانکہ محدثین میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اس کا بالکل لٹرل میننگ لیتے ہیں کہ 40 صبح جو بیدار ہو خدا کے لیے, یعنی نماز پڑھیں خدا کے لیے قربتاً اللہ, تو نماز تو ہر نماز آپ قربتاً اللہ پڑھتے ہیں, لیکن ایک یہ ہے کہ اخلاص, من اخلص للہ 40 صباحا, جو 40 صبحیں خدا کے لیے وقف کر دے اخلاص کے ساتھ, جو صبح کرے اپنی زندگی کی 40 صبحیں خدا کے لیے. اب یہاں لٹرل میننگ سے آگے بڑھیں, اگر اہل زبان کے
मुहावरों से फायदा उठाएं तो इसके मानी होंगे जो 40 दिन वक्फ कर दे अल्लाह के लिए, जो अल्लाह के लिए 40 दिन वक्फ कर दे। कदर मुतयक्कन यह है कि 40 दिन तक कम से कम एक घंटा खुदा के लिए वक्फ कर दे। यानी फर्ज कीजिए कि अगर 5 बजे सुबह फजर का वक्त है तो 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, या उस वक्त तक जबकि तुलू आफ्ताब का वक्त है, तुलू फजर से लेकर तुलू आफ्ताब तक, डॉन से लेकर सनराइज तक, ये जो साथ है ये शरीयत की इस्लाह में ये पूरी एक साथ कहलाती है, चाहे हमारी घड़ियों के हिसाब से ये 2 साथ हो, 2.5 साथ हो, 1.5 साथ हो, जो भी हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, मगर शरीयत की इस्लाह में ये एक साथ शुमार होती है, तुलू फजर से तुलू आफ्ताब तक, जो इस वक्त को खास खुदा की नजर कर दे। यानी तिलावत नमाज, जिक्र, तिलावत, तस्बीह, तहमीद, तहलील, खुदा के जिक्र में मशगूल रहे और बस उसी से दिल लगा रहे, तो इसका इनाम क्या होगा? इरशाद है कि परवरदिगार उसके दिल से हिकमत के चश्मे जारी कर देगा जो उसकी जबान से जारी होंगे। तो 2 हदीसें आपकी नजर की मैंने, एक ये कि जो 40 हदीसों को याद कर रखे, हिफ्ज कर ले, महफूज रखे, वो रोज़ महशर फकीह महशूर होगा। एक ये हदीस के जो 40 सुबह नजर मौलाए हकीकी कर दे, दिल उसका मंबे हिकमत हो जाएगा, चश्मे जारी होंगे दिल से और जबान से हिकमत के। जब ये 40 अदद का एक मफहूम आपके जहन में वाज़े हो गया तो अब गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के तस्करे में खुदा ने क्या कहा, ववाअदना मूसा 30 लैलतन वअतममनाहा बिअशरिन फतम्मा मीकातु रब्बिही 40 लैला। हमने 30 रातों का वादा किया, फिर 10 रातों का इजाफा किया ताकि रब मूसा का निसाब मुकम्मल हो जाए। वाज़े है, ये जो निसाब मैं लफ्ज ला रहा हूँ किसी मकसद से ला रहा हूँ ताकि बात, यानी एक सिलेबस है, एक करिकुलम है, इसे पूरा करो, वाज़े है। अब यहां पर बस एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, जनाब मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु सलाम की 40, ये जो 40 दिन गुजरे हैं शब और रोज, ये कब से कब तक है? यह है पहली ज़िलक़ादा से 10 ज़िलहिज्जा तक। चुनांचे एक कौल यही है वो सूरह फजर की तफसीर में कि पहली ज़िलहिज्जा से 10 ज़िलहिज्जा तक मुराद है, और एक कौल यह है कि ज़िलक़ादा के 10 रोज़ मुराद हैं, और एक कौल यह है कि वो रमज़ानुल मुबारक की 10 रातें आखिर की मुराद हैं। ये अकवाल हैं, मगर जो कौल मुख्तार था मैं अर्ज़ कर चुका कि उससे मुहर्रम की रातों के अलावा, शब रोज़ के अलावा और कोई मुराद नहीं है फिलवाक़े। लेकिन ये जो जनाब मूसा से मुतालिक 40 है, ये इसकी एक हकीकत है। एक सलावात पढ़ दें मोहम्मद वाले, एक और सलावात पढ़ दें, के जनाब मूसा के लिए वो 40 तो मखसूस थी, अब भी ये भी एक तोहफा है जो लोग अहले हिम्मत हैं, जो लोग अरबाब हिमम कहलाते हैं, अहले दिल, अहले हिम्मत, यानी अल्लाह की तरफ कदम उठाने का आज़म है जिन्हें, उनके लिए अब भी पहली ज़िलक़ादा से और 10 ज़िलहिज्जा तक खास आमाल बताए गए हैं कि अगर इन शब और रोज़ में ये आमाल बजा लाएं तो अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ मारिफत के और क़ुर्ब के और विसाल के दरवाजे खुलते हैं। ये अभी ये तासीर है इन शब और रोज़ में। लेकिन एक बात अर्ज करूं,
दस्त अदब जोड़कर। और ये जुमला बहुत सोच समझ के अर्ज कर रहा हूं, फिक्री एतबार से भी, अमली एतबार से भी। हकीकत तो ये है कि पहली दिलकादा से दस दिलहिज्जा तक ये वो अरबईन का जमाना है जिसमें एक मूसा जैसा उलुल आजम पैगंबर निसाब इलाही को मुकम्मल करके अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचा। लेकिन 11 मुहर्रम से 20 सफर तक वो अरबईन हुसैनी है जिसमें न जाने कितने हजार लोग मंजिल मकसूद तक पहुंचते। वहां एक मूसा मंजिल मकसूद तक पहुंचे, लेकिन खुदा की कसम, मूसा की कसम, हारून की कसम, आदम से लेकर खातम तक तमाम अंबिया की कसम, ये अरबईन हुसैनी, इसकी अहमियत इसीलिए, इसकी तासीर ये है कि न जाने कितने आशिकान खुदा मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं बत्तुफैल जिक्र हुसैन, साये परचमे हुसैनी में, साये परचमे अब्बास में, इन अय्याम में, ये जो अरबईन हुसैनी है। तो यकीनन फिर अर्ज करूंगा कि परवरदिगार आप हजरात की तौफीकात में इजाफा फरमाए, जो हजरात जहां जहां भी एहतमाम कर रहे हैं इन अय्याम में शमए जिक्र इमाम मजलूम रोशन किए हुए हैं, इन अय्याम में जो लोग सफ़े रोशन कर रहे हैं, सफ़े अज़ा रोशन कर रहे हैं, परवरदिगार उनके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। ये अरबईन हुसैनी गैर मामूली है। बाज़ हजरात ये इसलिए भी ताकीदन अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त अफसोस ये है कि हमारे हलकों में से, ज़ाहिर वो हमारे हलके के तो नहीं कहला सकते मगर बज़ाहिर वो हमारे हलकों में हैं जो ज़ियारत अरबईन की अहमियत को कम करना चाह रहे हैं और जो इन अय्याम अज़ा की अहमियत को कम करना चाह रहे हैं या कम रंग करना चाह रहे हैं। खुदा की कसम, खुदा करे मिट जाए उनके नक्श जिंदगी जो इस अय्याम अज़ा को कम रंग करना चाह रहे हैं, यानी सुबुक मामूली, ये मामूली शब रोज नहीं है, गैर मामूली शब रोज है। परवरदिगार आप हजरात की तौफीकात में इजाफा फरमाए। ये अरबईन हुसैनी इसलिए भी अहमियत रखी, इसे मुबालिगा ना समझिएगा कि मैंने अर्ज कर दिया कि उस अरबईन में तन्हा मूसा पहुंचे मंजिल तक और इस अरबईन में न जाने कितने मंजिल तक पहुंच रहे हैं। तारीख के आईने में मुतालआ करना हो तो, खालिस दीनियाती मवाजीन से मुतालआ करना हो तो, और ये ज़हने आली में भी रहे कि इसी मुनासिबत से मैंने जिन आयतों का इंतखाब किया है इस अशरे के लिए वो कुरान मजीद में सूरह मुबारक अहज़ाब के आखिर की आयतें हैं। उन आयतों में परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल लदीना आमनु तक़ुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा, यहाँ से लेकर आखिर सूरह तक जो सिलसिला आयात है इसके मुतालिक बस एक जुमला अर्ज करूँ और फिर इंशाल्लाह तर्जमा और तफसीलात तो कल से आती रहेंगी बिल अक्सात। एक सलावत पढ़ दें मुहम्मद एक और सलावत पढ़ दें कुरान मजीद के ताल्लुक से अक्सर मैंने ये बात कही है, बहुत बार कह चुका हूँ, अब ये जुमले बहुत सों को याद हो गए होंगे मगर चूंकि बात अहम है तो इसलिए याद दहानी करा रहा हूँ कि कुरान मजीद बहैसियत किताब, अगर कोई किताब है तो इसका कोई मौजू होगा, अगर एक लफ्ज़ में मौजू पूछा जाए तो उसका जवाब है तौहीद, और इस किताब का जो अमली पैगाम है अगर एक लफ्ज़ में पूछा जाए कि अमली पैगाम क्या है तो उसका नाम है तक्वा।
और तीसरा ये है कि इस किताब का कोई निज़ाम है, कोई निज़ाम है जो इंट्रोड्यूस किया है इस किताब ने, तो उस किताब उस निज़ाम का नाम है विलायत। तो ये तीन अल्फाज याद रखें कुरान के ताल्लुक से। कुरान अगर मौजू है, अगर एक किताब है तो उसका मौजू मौजू सब्जेक्ट एक लफ्ज में तौहीद है, तौहीद हक समदी। पूरी किताब अज़वल ता आखर उसका मौजू बुनियादी सुल्ब मौजू एक है और वह है तौहीद। पैगाम क्या है? अमली एतबार से अहकामात तो बहुत हैं, लेकिन वो अहकामात सैकड़ों हैं, हजारों हैं, लेकिन उन तमाम अहकामात को पेश नजर रखकर एक लफ्ज में अगर इंट्रोड्यूस करना हो तो वो लफ्ज तकवा है। और निज़ाम के एतबार से अगर निज़ाम को इंट्रोड्यूस करना हो तो उसका उनवान, उसका सरनामा लफ्ज़ विलायत है। ये चीज़ें आप हजरात के जहनों में रहनी चाहिए। अब मैं अर्ज करूं कि कुरान मजीद में इस मौजू के ताल्लुक से अगर तौहीद के तमाम मतालिब यकजा कहीं देखने हो तो वो मकामात अलग हैं। मसलन आयतुल कुर्सी, मसलन सूरह मुबारका हदीद की इब्तिदा की आयतें, मसलन सूरह नूर की आयते नूर, मसलन सूरह तौहीद, सूरह इखलास, ये वो मकामात हैं कि जहां खास तौहीद से मुतालिक मतालिब को यकजा तौर पर बयान किया गया है। इसी तरह निज़ाम विलायत के ताल्लुक से पूरा कुरान में निज़ाम विलायत पर रोशनी डाली गई है, लेकिन यकजा तौर पर निज़ाम विलायत पर जहां जहां गुफ्तगु हुई है उनमें से एक सूरह माईदा है। इसी तरह अगर यह तलाश किया जाए कि यकजा तौर पर कुल्ली उनवान से निज़ाम अमल कुरानी, कुरान मजीद के अमली पैगाम, कुरान मजीद के अमली पैगाम को यकजा जहां जहां पेश किया गया है जामे तरीन अल्फाज में, उनमें से एक मकाम यह है जो मैंने तिलावत किया, या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वकूलू क़ौलन सदीदा يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا। ये वो मकाम है पूरे कुरान मजीद में, उन चंद मकामात में से एक है जहां कुरान मजीद के अमली पैगाम को जामे तरीन और मुअस्सर तरीन अल्फाज में पेश किया गया। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू में इतना इशारा काफी है, और इस आयत को समझने के लिए और इस आयत की रोशनी में मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपका जहन भी आमादा रहे और मेरा जहन भी हाजिर रहे कि इस आयत में अमली पैगाम है। और याद रखिए कि अमल अमली जो निसाब होता है, जो अमली मंसूबा होता है, ये एक तरफ नजरिए से जुड़ा होता है और एक तरफ निज़ाम से। नजरिया आता इसलिए है कि निज़ाम कायम हो, निज़ाम कायम ही नहीं हो सकता जब तक अमल ना हो, और माने आप तो नजरिया निज़ाम और अमल ये साथ साथ हैं, मुत्तहिद हैं। सिर्फ एकेडमिक नुक्ते नज़र से, तालीमी नुक्ते नज़र से, तरबियती नुक्ते नज़र से तहलील और तज़िया करने के लिए ये अनामीन अलग अलग मुशख़्स किए जाते हैं। थ्योरेटिकल पहलू से अलग सोचेंगे, प्रैक्टिकल पहलू से अलग सोचेंगे, सिस्टमेटिक पहलू से अलग सोचेंगे, ये सब सोचने का अंदाज है, वरना ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नज़रिया क्या है? तौहीद। अमल क्या है? तकवा। निज़ाम क्या है? विलायत। ये एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। इसीलिए उस हदीस मासूम में है, जो हदीस मशहूर व मारूफ है और हदीस सिलसिलतुज़्ज़हब कहलाती है, जहां उस हदीस में एक के बाद एक मासूम नकल करने वाले हैं, वहां एक जगह फरमाया गया कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से महफूज हो गया। दूसरे मकाम पर इसी सिलसिले से कहा गया विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी,
विलायत अली इब्न अबी तालिब मेरा मजबूत किला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से महफूज हो गया। तो तौहीद विलायत से मरबूत है, विलायत तौहीद से मरबूत है, और इन दोनों के दरमियान जरूरी क्या है, हमारा दखल कैसे होगा, हमारी वाबस्तगी कैसे होगी तौहीद से और विलायत से? अमल, जौहर अमल, जिन्स अमल, नकद अमल, इसके बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। बहरहाल ये तमहीद ज़हने आली में महफूज रहे, और उसके बाद ये उन्वान भी महफूज रहे कि असल में मेरा उन्वान ये है इस अशरे में कि मैं आप हजरात को इस सिलसिले फिक्र व अमल से जोड़ दूं जिसे मैं कहता हूँ विलायत गदीर से विलायत फकीह तक। हमारा सफर विलायत गदीर से विलायत फकीह तक है इस वक्त, और विलायत फकीह से विलायत गदीर तक है इंशाअल्लाह आइंदा में, जब जान वली गदीर आ जाएगा, इमाम आसर अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। भाई गदीर से जो मीरास मिली हमें, मन कुंतु मौला फहादा अली मौला से जो मीरास मिली वो हमारे अमानतदार फुकहा के हाथों से महफूज है, और इन्हीं अमानतदार फुकहा के हाथों से जो अमानत हमें मिलेगी, इसी अमानत को लेकर हम वली आखिर हजरत हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की बारगाह में बारियाब होने के लायक हो सकेंगे। तो इसलिए हमारा सफर तो अब इसे, अब देखिए आप कहेंगे ये खतीबाना लफ्ज़े हैं, हमारा सफर तो हक से हक तक है, हमारा सफर तो खुदा से खुदा तक है, हमारा सफर तो नबी से नबी तक है, हमारा सफर तो गदीर से गदीर तक है, हमारा सफर है गदीर से गदीर तक, और गदीर से गदीर तक सफर के मानी है कि सफर है नबी से नबी तक, और नबी से नबी तक सफर के मानी है कि हमारा सफर है खुदा से खुदा तक, खुदा से खुदा तक सफर के मानी है कि हमारा सफर हयात, सफर वजूद है हक से हक तक। मगर इस सफर में से और तक दरमियान में है ना, यानी ये इस आलम जमान और मकान में रहने की मजबूरी ये है कि हमें एक सफर तय करना है, एक मकान तय करना है, एक मसाफत तय करनी है, एक जमान को तय करना है, और ये जो तय करना है वो गैर मासूम की गैर मौजूदगी में उन फुकहा की सरपरस्ती में तय करना है कि जो मासूम के कलाम और प्याम के अमानतदार हैं। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। बस आज की गुफ्तगू रोक रहा हूँ, ये पैगाम, ये पयाम, मासूम का ये पयाम यूं ही नहीं पहुँचाए हम तक, बड़ी मुसीबतों को झेल कर पहुँचाया गया है पहुँचाने वाला इमाम मासूम का पयाम, और इस पयाम को पहचाने में मर्दों का भी हाथ है और ख्वातीन का भी हाथ है। मैं कोशिश करूँगा कि आज से रोज़ाना मसाइब में भी तज़किरा ऐसा हो कि जहाँ मर्दों की कुर्बानियाँ भी जिक्र की जाएँ और ख्वातीन की कुर्बानियाँ भी जिक्र की जाएँ, और उसमें खानवादे अहले बैत से जो बाहर जो उनके मवाली हैं, जो उनके ग़ुलाम हैं, जो उनके कनीज़ हैं, उनकी कुर्बानियों का भी तज़किरा किया जाए, ताकि हमारे सामईन कुछ हिम्मत पैदा कर सकें, हौसला पैदा कर सकें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मायूस होने की बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये सिलसिला जहाँ से शुरू होगा, सबसे पहले निगाहें जाके ठहर जाती हैं ज़ैनब कुबरा पर। क्या कुर्बानी थी बीबी की, क्या कुर्बानी थी बीबी की, क्या मुसीबतें बर्दाश्त की, खुद इमाम को किस तरह महफूज रखा है आप जरा तसव्वुर फरमाएं। एक रोज में, एक दिन में, चंद साआतों के दरमियान, बल्कि मैं अर्ज करूं एक साथ में, जो असर आशूर की साथ थी, एक बार बीबी ज़ैनब उस नशेब में जाती है जहां आका इमाम हुसैन का सर जुदा किया गया है, बल्कि कौन
अपने दिल को संभाल सकता है और उस तसव्वुर को थोड़ी देर भी अपने जहन में कायम रखकर सब्र कर सकता है कि ज़ैनब जैसी बहन खड़ी है और निगाहों के सामने हुसैन का गला काटा जा रहा है, और वो भी इस तरह काटा जा रहा है कि मासूम ने फरमाया है, ज़ुबहल हुसैन कमा युज़बहुल काब्श, अरे जिस तरह एक गोसफंद को ज़बह किया जाता है इस तरह हुसैन को ज़बह किया गया। और ज़ैनब खड़ी देख रही थी। उसके बाद हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया और बीबी ने गोया तमाम अंबिया की तरफ से और खानवादाए खत्मुल मुरसलीन की तरफ से, जनाब खत्मी मर्तबत की तरफ से, पूरे अहले बैत की तरफ से, तमाम अरकान अहले बैत की तरफ से फरमाया, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हादल कुर्बान, ए परवरदिगार हमारी जानिब से ये कुर्बानी कबूल फरमा। ये ज़ैनब कुबरा। और उसके बाद फिर उधर पलट के देखती है, इधर देखती हैं कि रसूल का नवासा ज़बह हुआ, उधर पलटती हैं तो देखती हैं खैमों से शोले बुलंद हैं। अब बीबी दौड़ के गई और बच्चों को जमा कर रही है, बीबियों को जमा कर रही है, जब उस खैमे में आ गई जहां सैयद सज्जाद थे और फिर उस खैमे में भी शोले भड़कने लगे, दुश्मनों ने आग लगा दी, सबको लेकर बाहर निकली, मगर यूं ही नहीं, इमाम से इज़न लेकर। यह है अमानतदारी, दीन हम तक किस तरह पहुंचा, हुक्म इमाम, पाबंदी हुक्म इमाम, पाबंदी हुक्म इमाम। ये जो आप बराबर जाकिरों से समाअत फरमाते हैं ये बेअसास बात है, ये आपके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में फिक्र नहीं फरमाते कि हम कोई अमल कितने ही सख्त हालात क्यों ना हो मगर हुक्म शारे और इज्न शारे के बगैर अंजाम ना दें। बीबी ज़ैनब आलिमा हैं, गैर मुतअल्लिमा हैं। बीबी ज़ैनब, मैं अर्ज कर रहा हूं, जिसे सवाल करना हो सवाल करें, मैं अर्ज कर, बीबी ज़ैनब भी मासूमा हैं। मैं तो बीबी ज़ैनब को मासूमा करबला कहता हूं, जैसे आप बीबी जनाब मासूमा कुम को मासूमा कुम कहते हैं, वैसे ही मैं जनाब ज़ैनब को मासूमा करबला कहता हूँ। मासूमा करबला ज़ैनब है और मासूमा शाम तो वो बच्ची है, आका हुसैन की वो बच्ची जो शाम के जिंदान में बाबा 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 कहती हुई दुनिया से रुखसत। अजरुकुम अलल्लाह। तो ये मासूमा करबला जनाब ज़ैनब है, ये मासूमा करबला जनाब ज़ैनब है। उधर देख रही है भाई का गला काटा जा रहा है, इधर देख रही है खैमों में आग लगी है और सबको बचाना है, आलिमा है, मासूमा है, अली की बेटी है, मगर जनाब सैयद सज्जाद से पूछनी है, बेटा सज्जाद खयाम में आग लग चुकी है, बताओ मैं नंगे सर बरहना बच्चों औरतों को लेकर खैमे से निकल जाए या इसी खैमे में जल कर मर जाए। अल्लाहु अकबर। बस आखिरी मंजर आपके जहनों में यकीनन होगा, मगर जुमला अर्ज करके खत्म करूं, सबको लेकर बाहर आई और रावी कहता है कि मैं देख रहा था शोले भड़क रहे हैं, मगर ज़ैनब बार बार उन्हीं शोलों की तरफ जाना चाहती हैं। आखिर में देखा ज़ैनब दाखिल हो गई और अब जो उन शोले से निकली तो देखा अपनी पुश्त पर एक नहीफ एक बीमार इमाम को लेकर आई है, और उस वक्त समझ में आया कि इस ज़ैनब की कौन सी ऐसी पूंजी थी, कौन सा सरमाया था जिसके लिए ये बेचैन थी और शोलों के अंदर जा रही। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़ान बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ़ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार हमारे इस निसाब अज़ा को मुकम्मल फरमा। परवरदिगार हमें हिम्मत दे, हौसला दे, शऊर दे, जज्बा दे कि हम अपने पूरे वजूद के साथ इस निसाब अज़ाए हुसैनी को मुकम्मल कर सकें, तेरे फ्यूज़ और बरकात का इस्तेहकाक पैदा कर सकें। महबूद परवरदिगार जो लोग इस साल ज़ियारत अरबईन के लिए मुशर्रफ हुए हैं उनकी ज़ियारतों को कबूल फरमा, और जो लोग अपने दिलों में ज़ियारत की आरज़ू रखते हैं उनको सवाब ज़ियारत अता फरमा।
और उन्हें तौफीक ज़ियारत अता फरमा इस रूए ज़मीन से। ये जो भी बीमारी और वबा फैली हुई है कोरोना, और इसके पीछे जो बीमार सियासत है, परवरदिगार उस सियासत का भी खात्मा कर दे, इस बीमारी का भी खात्मा कर दे। माबूद करम फरमा उम्मत मुस्तफ़ा पर, और इस उम्मत मुस्तफ़ा से दो बीमारियां दूर कर दे परवरदिगार। जहालत को दूर कर दे, इफलास को दूर कर दे। हमें उलमा फुकहा अमानतदार, उलमा और फुकहा के ज़ेरे साया इमाम आसर की खिदमत में बारियाब होने का शरफ अता फरमा। परवरदिगार अपने वली आखिर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा, और उनके हाथों से अपनी रहमत और आफत और अदालत का परचम लहरा। मातब हुसैन।